वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और आप देख रहे हैं डीएच के रिएक्शंस। तो बहुत ही लो स्कोर रहा था, चेज़ कर लिया बहुत ही, 5 विकेट ज़्यादा गिर गए थे मेरे हिसाब से तो, लेकिन चेज़ कर लिया है। देखते हैं, लास्ट ओवर में बहुत कोई ड्रामा हुआ था, वो बात हम बाद में करेंगे। देखते हैं इस वीडियो को जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, क्लीन स्वीप मारा है। जी हाँ, क्लीन स्वीप मतलब तीनों के तीनों मैच जीत लिए हैं, एक भी मैच जीतने का मौका नहीं दिया है। सीरीज तो 2 मैचों में ही जीत गए थे, लेकिन तीसरे में भी विक्ट्री हासिल कर ली है, सीरीज पर कब्जा है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। 2 गेंदों पर साथ साथ गिरा दी, उसके बाद इफ्तिखार अहमद जो कि कम बैक कर रहे हैं कौमी टीम में, उन्होंने छक्का रसीद किया। उसके बाद अगली ही गेंद पर वो भी पवेलियन वापस लौट चुके हैं और टेंशन्स बरकरार हैं। इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला, इंतहाई सनसनीखेज मैच, लोअर स्कोर थ्रिलर है ये, और पाकिस्तान को 2 रन्स दरकार हैं। आखिरी गेंद बाकी है, नवाज सामना करेंगे। नवाज ने खेला नहीं इस गेंद को, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और अंपायर की जानिब से डेड बॉल करार दे दिया गया है। इसमें वीडियो नवाज गालिबन दिखा नहीं सकते, तैयार नहीं थे खेलने के लिए, और बांग्लादेश की जानिब से, खिलाड़ियों की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है शायद कि ये विकेट थी, विकेट का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन नवाज तैयार नहीं थे। अंपायर का इशारा हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। 2 रन इस तरीके से, 1 गेंद बाकी है, नवाज करेंगे सामना। दूसरे मैच के हीरो थे, और ये है वो लम्हा जब नवाज ने गेंद को खेलने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा दिए और पीछे चले गए। महमदुल्ला ने विकेट के काफी पीछे से बॉल किया था, शायद यही वजह बनी जिससे जो नवाज है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए। लेकिन अब आखिरी गेंद जो है वो होने जा रही है उनके विकेट कीपर की जानिब से, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि शायद अपील की जा रही है, अगली बॉल भी नहीं फेंकेगी, खुशी का इजहार की जा रहा है जानिब से। लेकिन ये टेंशन है, ये आप देख सकते हैं कि कौमी जो कैंप है और ये बांग्लादेशी कैंप है, दोनों डगआउट्स में। बहरहाल आखिरी गेंद, और अब की बार महमदुल्ला रुक गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या मैच जा रहा है, क्या मनाजिर हैं, हर कोई पुरजोश है, शाहिनों की जो अच्छी फॉर्म है उसका सिलसिला बरकरार रखा, डगआउट है ये पाकिस्तानी, यहां पर भी टेंशन, बंगाली डगआउट में भी टेंशन। महमदुल्ला दौड़े गेंद करने के लिए, और अब की बार गेंद हो गई और नवाज ने शॉट खेली, चौका, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है और 7वीं मर्तबा क्लीन स्वीप कर दिया है बांग्लादेश को। पाकिस्तानी डगआउट में मुस्कुराहटे हैं, जबकि जो बांग्लादेशी डगआउट है वहां का जो कैंप है, वहां के जो खिलाड़ी हैं वो अफसरदा हैं, बिल्कुल जीत के इतना करीब पहुंच कर मैच हारा है बांग्लादेश एक मर्तबा फिर से, और नवाज एक मर्तबा फिर से खुशी से नवाज गए हैं, उन्होंने जितवा दिया है ये मैच पाकिस्तान को। दूसरे मैच के भी हीरो और आज के मैच के भी हीरो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आखिरी गेंद थी, टेंशन थी, 2 रन दरकार थे, लेकिन नवाज सिंगल भी ले सकते थे ताकि मैच बराबर करके सुपर ओवर में ले जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस मैच को यहीं पर खत्म किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा, और नवाज ने यह मैच जितवा दिया है। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से ही अपने नाम कर ली है और बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप की अच्छी फॉर्म का सिलसिला बरकरार रखा गया शाहीनों की जानिब से, 5 मैचेस जीते थे T20 वर्ल्ड कप में, पेदर पे मैच जीते और उसके बाद बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश के हवाले से आपको बताएं, अपने होम ग्राउंड में इंतहाई टफ टीम है, मुश्किल टीम माना जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि इन्होंने यहीं पर इन्हीं ग्राउंड में एक ही महीना कबल ऑस्ट्रेलिया जो कि T20 वर्ल्ड कप की फाते टीम है उसे व्हाइट वॉश किया था, और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड को भी इन्होंने बुरी तरीके से T20 सीरीज में इन्हीं विकेटों पर हराया था। लेकिन पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश की एक भी ना चल सकी, पहला मैच जीता, अगले ही दिन दूसरा मैच जीता, इसका और मतलब ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के लिए अपना जो टीम का मोराल था, जो कॉम्बिनेशन था उसको तब्दील किया पाकिस्तान ने, और 4 तब्दीलियां की कौमी टीम के अंदर, उसके बाद इस मैच को भी शाहीनों ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन जिस मैच का इख्तिताम हुआ, बजाहिर तो लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आसानी जीत जाएगा, पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन्स दरकार थे। लेकिन महमदुल्ला जो के कप्तान आए बांग्लादेशी, उन्होंने शानदार बॉलिंग की, नपीतोली बॉलिंग की, और पाकिस्तान की 3 विकेटें इस आखिरी ओवर में उन्होंने गिरा दी। एक बात माननी पड़ेगी, लो स्कोर पे भी काफी की शॉट लगाई, खूबसूरत शॉट थी, 8 रन दरकार थे, उसके बाद 2 रन्स बाकी रह गए, तो उसके बाद इफ्तिखार अहमद की विकेट भी चली गई। इफ्तिखार अहमद की विकेट गिरने के बाद नवाज आए जो कि सेट नहीं थे, विकेट पर पहले से मौजूद नहीं थे, विकेट को शायद अभी उन्होंने यहां पर समझा नहीं था, विकेट के ऊपर उन्होंने वक्त नहीं गुजारा था, लेकिन इस सब का उनके पास टाइम नहीं था,
इस सब का उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद शानदार शॉट लगाई और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की जानिब इस खूबसूरत शॉट से पाकिस्तान को ये मैच भी जितवाया और पाकिस्तान को उन्होंने सीरीज भी जितवा दी और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया है 3-0 से। ये T20 की सीरीज अपने नाम कर ली है और इसे हम कह सकते हैं कि नवाज की जानिब से मौके पे चौका लगाया गया है और इस मौके के जो चौका है इस चौके ने पाकिस्तान को ये सीरीज भी जितवा दी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जी बिल्कुल, T20 की ये सीरीज है और पाकिस्तान ने इस मैच में भी फतह समेट ली है। पाकिस्तान ने 125 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया है। मोहम्मद नवाज ने चौका लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई है। हैदर अली की 45 रन की शानदार बैटिंग और 2 छक्के 3 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 40, कप्तान बाबर आजम 19 रन बनाकर आउट रहे। कौमी टीम ने 125 रन का बांग्लादेशी हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया तो शाहीनों ने T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है और आखिरी चौका जो कि मोहम्मद नवाज की जानिब से लगाया गया और पाकिस्तान को फतह दिलाई गई। ऑलराइट, तो ये था पूरा हाल मैच का जो आज मैच हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, मतलब लास्ट में का जो लास्ट ओवर था सबसे एंटरटेनिंग था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर नवाज थे ना स्ट्राइक पर, उन्होंने पहले तो गेंद छोड़ दिया लास्ट में, अपना मतलब एकदम छोड़ दिया कि हाँ मैं नहीं खेलूँगा इस बॉल को, कुछ ना कुछ दिक्कत थी जैसा इसमें बताया गया, तो वो मुझे अजीब सा लगा। मैं देख रहा था तो वो बॉल मैंने देखी थी तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन बाद में पता चला जैसा इस वीडियो में बताया कि रीज़न था कि महमूदुल्ला जो है उन्होंने बहुत पीछे से विकेट के बहुत ज़्यादा पीछे से आप बॉल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जो 22 कदम की होती है पिच 22 यार्ड की, तो उसका क्या मतलब रह जाता है, इसलिए वो पिच बनाई गई है कि वहाँ से अपनी लिमिट्स में से फेंकें, बहुत ज़्यादा आगे से ना फेंकें, तो ये रूल्स हैं, तो इसलिए उन्होंने हाथ उठा लिए थे कि मैं नहीं खेलूंगा, उस पर बोल्ड हो गए थे, लेकिन जो उनके कीपर थे बांग्लादेश के वो कह रहे थे भाई आउट है, आउट लेना है हमें इसको, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि रूल के खिलाफ थोड़े ना कोई काम किया था। सेम बॉल पर एक काम और हुआ कि महमूदुल्ला जो बॉल फेंकते फेंकते बच गए, उन्हें लगा कि मैं रन आउट कर दूंगा, नॉन स्ट्राइकर को आउट कर दूँ, वो स्ट्राइक से निकल जाते हैं ना रन लेने के लिए जल्दी से, तो उसको आउट करने के चक्कर में उन्होंने वहाँ पर बॉल फेंकते फेंकते रुक गए और सोच रहे थे कि आउट कर दूंगा, लेकिन वहाँ भी उनकी दाल नहीं गली और क्लीन स्वीप मारते हुए नेक्स्ट उसी सेम बॉल पर चौका जड़ दिया और अपने नाम इस सीरीज़ को पहले ही कर चुके थे, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने नाम इस सीरीज़ को कर लिया, मतलब क्लीन स्वीप अपने नाम कर लिया। वैसे तो सीरीज़ इनकी 2 मैचों में ही हो गई थी नाम, और अब मुझे पता चला जैसे में मैंने सुना कि इससे पहले काफ़ी टफ टाइम देते हैं ये अपने मतलब होम ग्राउंड पर बांग्लादेशी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया को दिया था, मतलब क्लीन स्वीप मारा था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, T20 वर्ल्ड कप उठाकर ले गई है वो, उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टफ टीम है ऑस्ट्रेलिया की, तो उनको क्लीन स्वीप दे सकती है बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर। तो ये मैचेस मुझे जितने आसान लग रहे थे शायद उतने नहीं थे, मैं सोच रहा था आसान है, बांग्लादेश से जीत ही लेगी पाकिस्तान कैसे भी, लेकिन अब पता चलता है कि क्यों इतने छोटे छोटे स्कोर पर भी मैच लड़ रहा था अब जाकर पता चला, तो उससे मुझे लगता है कि टफ वाले मैचेस थे ये और पाकिस्तान ने मेहनत करके, ज़्यादा ही मेहनत लगी होगी उनको जीतने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सीरीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। बस इस वीडियो में इतना ही, लाइक करके शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।